का मतलब है चट्टानों का टूट फूट जाना, और मास वेस्टिंग है कि ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मटेरियल का चट्टानों के ऊपर से नीचे की तरफ सिरक आना। जब ये दोनों प्रोसेस हो जाते हैं फिर इरोजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी मवाद का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। रॉक्स प्रेजेंट एट अर्थ सरफेस गेट वीकेंड ड्यू टू वेदरिंग। जो रॉक्स ज़मीन की सतह पर मौजूद होती हैं वो वेदरिंग की वजह से कमज़ोर होती हैं। देयर अपर सरफेस सेपरेट्स फ्राम लोअर सरफेस। इनकी ऊपर वाली सतह नीचे वाली सतह से अलहदा हो जाती है। दिस डेब्रिस वॉशेज अवे विद रिवर्स विंड्स एंड ग्लेशियर्स। ये जो मवाद है वो दरियाओं हवाओं और ग्लेशियर से बह जाता है। दीज फैक्टर्स आल्सो ट्रांसपोर्ट द डेब्रिस एंड डिपॉजिट इट एट सम अदर प्लेसेस। ये जो अनासिर हैं ये इस मवाद को एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल कर देते हैं। मास वेस्टिंग मीन्स द मूवमेंट ऑफ रॉक्स मटीरियल फ्राम हायर टू लोअर रीजन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। मास वेस्टिंग यानी तोदी ज़िया कहते हैं रॉक्स के मटीरियल का ऊंचाई से कम ऊंचाई वाले इलाकों में ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सिरक आना। वेदरिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच मैटर ऑन अर्थ सरफेस बिकम्स वीक। वेदरिंग है ज़मीन के ऊपर जो मवाद है उसका कमज़ोर हो जाना। ड्यू टू मास वेस्टिंग दिस मास मूव्स डाउनवर्ड्स। मास वेस्टिंग की वजह से ये जो मवाद है ये नीचे की तरफ आता है।